हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन बाय बीजे, और मैं हूं आपका इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट। हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। तो अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस बेल बटन। नोटिफिकेशन से जुड़ी PDF देते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल इन्फॉर्मेशन बाय बीशेक पर। अगर वो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ की तरफ से रहने वाली है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा, जो है www.drrmlims.ac.in। ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट डिटेल पर जाकर आपको क्लिक करना होगा और अपना फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आप ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म जो है फिल करिएगा, क्योंकि सबमिशन के बाद कोई भी आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। वेरियस पोस्टें, चलिए चलते हैं देख लेते हैं स्टाफ नर्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए इसमें टोटल 431 पोस्ट रहने वाली हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये, आप ज़रूर से इसमें अप्लाई करिएगा। ग्रुप बी की ये वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 7 का आपको इसमें पे स्केल मिलने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 193 पोस्ट हैं। SC कैटेगरी के लिए 79, ST कैटेगरी के लिए 9, OBC कैटेगरी के लिए 121 यानी 121, EWS के लिए 29। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये परमानेंट वैकेंसियाँ हैं, तो ज़रूर आप इसमें अप्लाई करिएगा। लेवल 7 का जो इसमें वेतनमान यानी आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो पे ग्रेड ऑफ PV2 जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाली है। 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस जो होंगे वो आपको मिलेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लेते हैं हम लोग। सिस्टर ग्रेड 2 के लिए BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट एंड GNM कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। आपका जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो तभी काउंट होगा अगर वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा। मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इसमें 40 ईयर्स रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं हम लोग, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। इसमें आपको आवेदन शुल्क के साथ 18% GST देना होगा। जो टोटल अमाउंट आपको पे करना होगा केवल मैं आपको वही बताऊँगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो पे करना होगा टोटल अमाउंट वो है 1,180 रुपीज़। OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए सेम रहने वाला है 1,180 रुपीज़। अनुसूचित जाति यानी SC एंड ST कैटेगरी के लिए 708 रुपीज़ आपको पे करना होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इसमें किसी भी तरह का एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखा गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट पर, और जो आपकी पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या या जन्मतिथि को अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं अपने हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को। ये जो एग्ज़ाम है आपका टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको 1 मार्क अवार्ड किया जाएगा फॉर द करेक्ट आंसर के लिए, और 1/4 आपका डिडक्ट किया जाएगा फॉर नेगेटिव मार्क के लिए, यानी इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अप्लाई करने से पहले आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।